पन्ना जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। रेपुरा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत मलखान में गो तस्करों का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि कपिल मिश्र पिता मुकेश मिश्र निवासी ग्राम मलखन और खेमा बंजारा ग्राम मलखन और प्रेम नारायण वर्मा वन रक्षक द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि रेपुरा वन रक्षक अंतर्गत ग्राम मलखन गीत के प्रेम नारायण वर्मा वन रक्षक का ऑडियो सोशल मीडिया से वायरल हुआ है, जिसमें गो तस्करों के साथ बात कर गो तस्करों की गाड़ी अपने बीट क्षेत्र से मलखन में रेपुरा तक भेजने की पूर्ण जवाबदारी लेते हुए स्पष्ट किया गया है। अधिकारियों को भी पैसा देना होता है, इसलिए ऑडियो मेरे द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया गया है। ऑडियो वायरल होती है चर्चा का विषय बन गया। गो तस्करी में अवैध वन कटाई का गंभीर मामला है, इसमें इसके और इसके संरक्षण करने वाले अधिकारी कर्मचारी और माफियाओं की गठजोड़ का खुलासा भी होना चाहिए। कॉल रिकॉर्ड खंगाले जाना चाहिए, जिससे गो तस्करों का भी पता चल सके। पन्ना चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। जांच हो रही है और जांच में जो दोषी होगा उस पर विधिवत कार्रवाई होगी, मतलब ये हमारा प्रॉमिस है कि जो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब किसी भी चीज़ में है उसके तह तक जाने में। और अभी जैसे हमारे एसडीओ साहब भी आए हैं, वो मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन की थोड़ा बारीकी से उसमें हो रही है पूरा, और बारीकी से होने के बाद जो तब तक गौ तस्करी करवाओ। कौन? प्रेम नारायण। ये कौन है? वन रक्षक है मलखन को। अच्छा, तो इसके लिए आप आगे का क्या कदम उठा रहे हैं? अभी काहे को सदन जो न करवाओ गौ तस्करियों का, तो बहुत चाहिए सजा। चलो ठीक है, आपका नाम क्या है? राजेंद्र दुबे मलघन। गौ तस्करों के बारे में ज्ञापन दिए हैं और मलघन बीट में कोई एक फॉरेस्ट गार्ड है, उसका हमको सोशल मीडिया के द्वारा एक वीडियो मिला। उस वीडियो का श्रीमान से हमने अपने अधिकारी जो हमारे अधिकारी हैं तहसीलदार महोदय जी, उनको हमने ये ज्ञापन दिया है कि वो इस चीज़ का पता लगाएं, जांच कराएं। अच्छा अच्छा। और जो यानी इस चीज़ में गलत हो उसको सज़ा मिले। अगर आगे कुछ कार्रवाई नहीं होती तो क्या कुछ कदम होगा बजरंग दल का? नहीं, बजरंग दल का कदम तो रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। अभी 10 आए हैं, कल 20 आएंगे, परसों 30 आएंगे। अगर श्रीमान जी तो वे हमारे साहब बहुत अच्छे हैं और अच्छे कार्रवाई करेंगे और जांच कराएंगे अपनी तरफ से। हिंदू परिषद और बजरंग दल और गौ सेवा के जो हैं कार्यकर्ता, उन लोगों ने आपको ज्ञापन दिया है गौ तस्करी के बारे में, तो इसमें क्या कुछ जानकारी है? जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है वो हमको अभी जानकारी मिली है, इसकी जांच बिल्कुल अवश्य कराई जाएगी और उच्च अधिकारियों को भी इसके संबंध में जाँच हेतु भेजा जाएगा, और संबंधित जो बीट गार्ड ने यदि ऐसा बात की है, ऐसा कार्य किया है, तो उसको जरूर पनिशमेंट मिलना चाहिए जी। हम अपनी तरफ से कलेक्टर महोदय को भी प्रेषित करेंगे और उच्च अधिकारियों से जो जांच होगी उससे आपको अवगत कराते हैं जी। आज जो ज्ञापन दिया है किस विषय पे दिया है? गौ तस्करी विषय पे। वो गौ तस्करी करता है प्रेम नारायण वर्मा और धमकियाँ भी देता है, अगर उसकी कोई कुछ भी शिकायत करता है उसको अवैध उत्खनन चलते हैं, फॉरेस्ट खदानें चलती हैं, दो दो ट्रैक्टर हैं उसकी, लकड़ी का धंधा करता है, मतलब जितने भी अवैध हैं सब रेता बेचता है अवैध। मेरे पास इसकी भी वीडियो रखे हैं, अगर उसकी कोई शिकायत करता है तो अर्जन एक्ट या FIR करवाने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। क्या नाम है? कपिल मिश्रा। किसी भी व्यक्ति अगर कोई भी कुछ बोलता है संलिप्त नहीं है और हम बहुत एविडेंस के साथ कहते हैं कि यदि हमारा CDR भी कोई जाँच में यदि पाया जाए तो भाई बिल्कुल स्पष्ट कार्रवाई उसको होनी चाहिए। और बिल्कुल इसमें बता दूं, पुलिस की कहीं से कोई संलिप्त नहीं है। मैं मलघन के कई लोगों से जुड़ा हूं और मैं परमानेंट मलघन और आसपास कई गांव में मेरा सर्विलांस बना रहता है, मैं जाता भी हूं, ठीक है, लोगों से मिलता भी हूं, लेकिन जानवर तस्करी को लेकर बहुत स्पष्ट है, पुलिस का कहीं कोई रोल नहीं। सर कितनी जल्दी कार्रवाई होगी इसको? इसको आवेदन आया है, बिल्कुल जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे अपन, विभाग भी जाँच कर रहा है, ठीक है। जो वायरल ऑडियो है इस विषय में क्या कहेंगे आप? वायरल ऑडियो की जांच फॉरेंसिक से भी करवा रहे हैं अधिकारी, फॉरेस्ट अपना खुद उनकी जांच कर रहा है और हमारे SDOP पवई भी इसकी जांच कर रहे हैं। मकुंदी मुंशी के सर में नाम है? हाँ, नाम है तो पुलिस वालों की भी जांच चल रही है, मकुंदी मुंशी का नाम है, ये थाना प्रभारी का नाम है या किसी अधिकारी का नाम है, तो उसमें उनकी जाँच। परिषद द्वारा आवेदन दिया गया है आपको गौ सेवा का, ये जो गौ तस्करी का ये गिरोह चल रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखो अभी अपन इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, बाकी इसका जो आवेदन और ऑडियो देखे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन माननीय उपवन मंडलाधिकारी पवई द्वारा की जा रही है, और इन्वेस्टिगेशन में जो भी मामला आएगा यदि वास्तविक कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी।
जी। और दोषी यदि पाए जाते हैं तो किसी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो ऑडियो वायरल किया हुआ है वो कपिल मिश्रा जी हैं, वो स्वयं यहाँ पे हैं, उन्हीं ने ये उन्हीं के द्वारा ये जो ऑडियो वायरल किया गया है तो ये तो साक्ष्य सामने ही है, इसके लिए आप ये क्या कहना चाहते हैं? ऑडियो के बारे में थोड़ा हमने जो बताया कि जो उसके स्पेशलिस्ट हैं या जो साहब हैं उसमें थोड़ा देखेंगे, उसकी गहराई से मतलब उसकी जांच करेंगे, और जांच के बाद हमने बताया है जो दोषी पाए जाएंगे उसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को खिलाफ के लिए मतलब उनके विरुद्ध के लिए लिखा जाएगा, मतलब कार्रवाई कम से कम 2 से 3 दिन तो लगेगी उसको इन्वेस्टिगेशन में। अभी वर्तमान में चल भी रही है इन्वेस्टिगेशन, जी जी, SDO साहब पवई कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन। क्या नाम है आपका? आनंद सेन। अच्छा, तो आप किस में, बजरंग दल में हैं क्या? बजरंग दल। ये काय का ज्ञापन दिया आप लोगों ने? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।